हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 24 फरवरी 2019 वार रविवार की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी ऐप पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज साध्वी निरंजन ज्योति इनोग्रेटेड त्रिपुराज फर्स्ट मेगा फूड पार्क नेम्ड सिकारिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड एट विलेज तुलाकोना इन अगरतला। इट हैज बीन सेटअप बाई कोलकाता बेस्ड सिकारिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड ऑन 50 acre लैंड प्रोवाइडेड बाई त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अगरतला के ग्राम तुलाकोना में त्रिपुरा के पहले मेगा फूड पार्क का नामकरण किया, जिसका नाम सिकरिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड है। यह त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई 50 acre भूमि पर कोलकाता स्थित सिकरिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, इन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्चेज स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। द स्कीम फोकस ऑन गर्ल्स एज्ड बिटवीन 11 टू 14 इयर्स हु हैव लेफ्ट स्टडीज एंड विल टेक स्टेप फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्पेशियल केयर फॉर देम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किशोर लड़कियों के लिए योजना शुरू की। यह योजना 11 से 14 वर्ष की आयु की उन लड़कियों पर केंद्रित है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है तथा इसके माध्यम से उनके लिए उचित पोषण और विशेष देखभाल के कदम उठाए जाएंगे। नेक्स्ट, द ओडिशा कैबिनेट अप्रूव्ड द खुशी स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू स्कूल गर्ल्स अक्रॉस द स्टेट। द स्कीम विल बेनिफिट नियरली 17.25 lakh स्कूल गर्ल्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 स्टडिंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 466 crore रुपीज ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। ओडिशा मंत्रिमंडल ने राज्य में स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए खुशी योजना को मंजूरी दी। इस योजना से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की लगभग 17.25 lakh स्कूली छात्राएं लाभान्वित होंगी। योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार 5 साल की अवधि में 466 crore रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड ए न्यू पार्क विच हाउसेज द रिप्लेस ऑफ 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड एट साउथ दिल्ली। द पार्क विच इज कॉल्ड द वेस्ट 2 wonder पार्क वाज बिल्ट बाय द साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन SDMC। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नए पार्क का उद्घाटन किया जिसमें दक्षिण दिल्ली में दुनिया के 7 अजूबों के प्रतिरूप है। पार्क, जिसे वेस्ट 2 wonder पार्क कहा जाता है, दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा बनवाया गया था। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। सूडान प्रेसिडेंट ओमर अल बशीर हैज डिक्लेयर्ड ए ईयर लॉन्ग स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिसॉल्विंग हिज कैबिनेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द कंट्री। ओमर अल बशीर इन ए टेलीविजन एड्रेस कॉल्ड ऑन सूडान पार्लियामेंट टू पोस्टपोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स
that would allow him to run for another term in a presidential election in 2020. सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने देश भर में अपनी कैबिनेट और स्थानीय सरकारों को भंग करते हुए एक वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा की है। उमर अल बशीर ने सूडान की संसद में संवैधानिक संशोधनों को स्थगित करते हुए संसद को संबोधित किया, जो उन्हें 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में अन्य कार्यकाल की अनुमति देगा। नेक्स्ट, वेलेस गियांट बी, वेलेस बी द लार्जेस्ट बी नोन ऑन द अर्थ विच वाज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट सिंस 1981 वाज री स्पॉटेड इन एन इंडोनेशियन फॉरेस्ट। साइंटिस्ट स्पॉटेड ए फीमेल बी ऑफ द स्पीसीज मेजर चाइल्ड प्लूटो एंड इट्स साइज इज 4 times द साइज ऑफ द टिपिकल यूरोपियन हनी बी एंड हैज ए विंग स्पान ऑफ 2.5 inches। वेलेस की विशालकाय मधुमक्खी वालेस बी पृथ्वी पर पाई जाने वाले सबसे बड़े मधुमक्खी है, जिसे 1981 से विलुप्त माना गया था, को एक इंडोनेशियाई जंगल में फिर से देखा गया है। वैज्ञानिकों ने मेगाचील प्लूटो प्रजाति की एक मादा मधुमक्खी को देखा और इसका आकार विशिष्ट यूरोपीय मधुमक्खी का आकार की 4 गुना है और इसका पंख 2.5 inches का है। नेक्स्ट, बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी फॉर्म्ड ए 4-member कमिटी हेडेड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर संजीव शर्मा टू लुक इनटू द मैटर ऑफ टैक्सेशन रिलेटेड पेन्स पॉइंट्स एंड सबमिट इट्स फाइनल रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस बाय मिड मार्च। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कर से संबंधित समस्याओं के बिंदुओं के मामलों पर ध्यान देने और मार्च के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए आयकर आयुक्त संजीव शर्मा की अध्यक्षता में 4-सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। 33-year-old अशोका यूनिवर्सिटी टीचर एंड विप्रो सस्टेनेबल फेलो दिव्या कर्नाड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड फॉर हर वर्क ऑन मरीन कंजर्वेशन। सी इज द सेकेंड इंडियन टू रिसीव द अवार्ड आफ्टर डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा। अशोक विश्वविद्यालय की 33 वर्षीय शिक्षक और विप्रो सस्टेनेबल फेलो दिव्या कर्नाड समुद्री संरक्षण पर अपने कार्य के लिए फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। डॉक्टर चारुदत्त मिश्र के बाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह दूसरी भारतीय है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, द डिजिटल इंडिया अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अंडर द एम्बिट ऑफ द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मैट वाई टू प्रमोट एक्सेम्पलरी इनिशिएटिव इन ई गवर्नेंस यूजिंग द मीडियम ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉ एंड जस्टिस श्री रविशंकर प्रसाद कन्फर्म डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 इन एन एक्सक्लूसिव सेरेमनी। वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम का उपयोग करते हुए ई गवर्नेंस में अनुकरणीय पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के दायरे में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की स्थापना की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद को एक विशेष समारोह में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।